स्वागत है आपका स्टेट बस न्यूज में और मैं हूं प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज के तमाम खबरों की ओर। कोलकाता से पटना आ रहे एक युवक को अर्धनिर्मित हथियार के साथ पुलिस ने पकड़ा। हालांकि पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने हथियारों के जाखिरा समेत एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पूरा मामला अगमकुआं थाना क्षेत्र के बेरिया बस स्टैंड का है। इस पूरे मामले पर सिटी डीएसपी अमित रंजन ने बताया कि पटना पुलिस और एसटीएफ को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पटना के बाहर से अपराधी आर्म्स का तस्करी कर रहे हैं और उसे कोलकाता से बस द्वारा पटना लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बेरिया बस स्टैंड पहुंचकर हथियार समेत एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके पास से अर्धनिर्मित पिस्टल का बैरल 25 पीस, स्लाइडर 25 पीस, बॉडी 25 पीस, नगद रुपए समेत एक मोबाइल भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी की पहचान जमुई जिला निवासी मोहम्मद तौसीफ आलम के रूप में किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधी से कड़ी पूछताछ करने में जुटी हुई है। कि पटना पुलिस एवं एसटीएफ को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पटना के बाहर से अपराधी आर्म्स की तस्करी कर रहे हैं, एक कोलकाता इत्यादि जगहों से आर्म्स को लाते हैं। तो इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी एसटीएफ के द्वारा, और पटना पुलिस भी सजग सतर्क तरीके से निगरानी कर रही थी बैरिया बस स्टैंड की। तो 11 तारीख को सूचना मिली अगमकुआं थाने को, और फिर उस सूचना के अनुसार हमने कार्रवाई की। आर्म्स तस्कर झोले में लेकर कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहा था, जो अर्धनिर्मित आर्म्स हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उनको, और पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहे थे, और इनका नाम है मोहम्मद तौसीफ आलम, और ये कोलकाता के बाबू घाट बस स्टैंड से आर्म्स को लेकर आ रहे थे बस से। और ये लेके तो पटना में ही आ रहे थे, हमने पटना में इंटरसेप्ट किया है, और ये लेके आ रहे थे ये एहसान करके एक आदमी है जो मुंगेर जिला के रहने वाले हैं, उनसे इन्होंने कोलकाता से हथियार लिया, और मोहम्मद एतवारी करके एक इंसान है जिनको इनको पटना में देना था। तो इसी बीच इस क्रम में ये पकड़े गए हैं। तो जो दो लोग का नाम इन्होंने बताया उसके ऊपर जांच की जाएगी और फिर आगे की चीज़ें सामने आएंगी। क्या कुछ बरामद हुआ सर? इसमें 25 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुए हैं, उसके अलग अलग पीसेज हैं, बैरल है, स्लाइडर है, बॉडी है, एक मोबाइल बरामद हुआ है, 850 रुपये हैं, और कोलकाता से पटना आने का एक बस टिकट है। ये पहले भी 302 के मर्डर अक्यूज्ड है और उसमें जेल जा चुका है, और ये मोहम्मद एतवारी से उसने अर्धनिर्मित ये हथियार लिए थे कोलकाता से, और ये एतवारी को देने आ रहा था। यहाँ पर रहने वाला ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, कहाँ से कलकत्ता से वो हथियार लाते थे, किसको डिलीवर करते थे, और कितने दिनों से ये कारोबार करता था? अब इसकी तो पुष्टि हम लोग जांच के बाद ही कर सकते हैं। जो ये बाकी दो अक्यूज्ड हैं अतवारी और एहसान, जब ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों मेन सरगना में हैं, और ये मुझे लगता है इसको यूज़ कर रहे थे, इसको भी पूरी जानकारी अभी तक जो हमें जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं है, बस इसको इन दोनों का नाम पता है। बाकी आगे की जांच में पता चलेगा जब ये लोग पकड़े जाएंगे कि आगे ये लोग किस तरीके से इस गिरोह को चला रहे थे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।